नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि क्रीम बेस आप अपने घर से कैसे बना सकते हैं। क्रीम बेस बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान वे से मैं बताऊंगा क्रीम बेस बनाना। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले करता हूं आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के बिजनेस आइडिया और प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ दोस्तों ऑनलाइन ट्रेनिंग आप लोग को रिक्वायरमेंट हो किसी भी प्रोडक्ट्स की, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की हो या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की हो, आप मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस कोरोना पीरियड में भी मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों क्रीम बेस बनाने के लिए केवल और केवल आपको 3 इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स होता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स को आपको लेना है 60 ग्राम्स और उसे मेल्ट करना है, यानी उसे गर्म करना है डबल बॉयलर में और उसे पिघला देना है। जब वो पिघल जाए तो डिस्टिल वाटर थोड़ी थोड़ी मात्रा में 20 ग्राम लेना है और उसमें ऐड करना है, यानी टोटल मात्रा डिस्टिल वाटर का 20 ग्राम होगा और थोड़ा थोड़ा ऐड करना है कहाँ पे, जो हमारा पैराफिन वैक्स मेल्ट किया गया है उसमें, और उसे मिक्स करते चले जाना है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने से पहले डिस्टिल वाटर में बोरेक्स को भी लिया जा सकता है, जो कि हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अगर आपके पास प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करना चाहते हैं तो केवल 2 इंग्रेडिएंट से आपका क्रीम बेस बन जाएगा और प्रिजर्वेटिव आप बाद में कुछ और भी लिक्विड फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी तरह प्रिजर्वेटिव बने तो आप डिस्टिल वाटर के साथ बोरेक्स को 1 ग्राम लेके मिक्स कर लीजिए, जो आपका पैराफिन मेल्ट हुआ है उसमें धीरे धीरे करके मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ये पूरी तरह क्रीमी फॉर्म में आता चले जाएगा और कुछ समय बाद जैसे जैसे ये ठंडा होगा पैराफिन वैक्स, वो पूरी तरह क्रीम फॉर्म में हो जाएगा और आपका क्रीम बेस जो है तैयार हो जाएगा। इसी क्रीम बेस को हम किसी भी प्रोडक्ट से क्रीम में ऐड कर सकते हैं और अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को बाद में ऐड करके उस प्रोडक्ट्स को अलग तरीके से बना सकते हैं, अलग फॉर्म में बना सकते हैं। यानी जैसे एंटी रिंकल्स आप बना सकते हो क्रीम, तो इस क्रीम बेस को यूज़ कर सकते हो। अगर फेयरनेस क्रीम बना रहे हो तो इस क्रीम बेस को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह जितने भी क्रीम्स होते हैं उसमें इस बेस को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को आप बनाइए अपने घर से। प्रोडक्ट बनने के बाद मुझे कमेंट जरूर करें कि कैसा आपका प्रोडक्ट बना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।